हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सतरंगी पॉइंट। सतरंगी पॉइंट में आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से टॉफ़ी से कुल्फ़ी। इस कुल्फ़ी में ना तो हमने कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है, ना कस्टर्ड पाउडर और ना ही आइसक्रीम पाउडर। तो आइए देखते हैं कैसे टॉफ़ी से हम कुल्फ़ी बनाते हैं। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए पार्ले जी की किस्मी टॉफ़ी बार आती है जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, वो मैंने 5 ली है। यह 2 रुपये वाली किस्मी टॉफ़ी बार है। यदि आपको ये ना मिले तो आप 1 रुपये की जो 2 होती है वो भी 10 रुपये की 20 ले सकते हैं। मतलब कि हमें कुल 10 रुपये की टॉफ़ी लेना है। सारी टॉफियों को हम कैंची से काट कर रैपर हटा देंगे। और इन टॉफियों को अब हम एक पैन में डाल देंगे। कुल्फ़ी में डालने के लिए हमें टॉफियों को मेल्ट करना है, तो हम आधा ग्लास दूध भी इसके साथ डालेंगे, जिससे कि मेल्ट करते टाइम टॉफ़ी जले ना और अच्छी तरह मेल्ट भी हो जाए। इस पैन को गैस ऑन करके हम उसके ऊपर रखेंगे और कम आंच पर हम इसे पिघलाएंगे। धीरे धीरे दूध का कलर चेंज होता दिख रहा है, मतलब टॉफ़ी मेल्ट हो रही है। टॉफ़ी को लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे, जिससे कि वो एक ही जगह पर चिपक ना जाए। इस टॉफ़ी में इलायची का फ्लेवर भी होता है, इसलिए हमें कुल्फ़ी में इलायची डालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस टॉफ़ी की वजह से कुल्फ़ी बहुत ही लाजवाब बनेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस कुल्फ़ी में टॉफ़ी डली हुई है। पाँच से सात मिनट में ही सारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस पैन को गैस पर से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मेल्टेड चॉकलेट ठंडी हो रही है, हम गैस पर दूसरा पैन चढ़ाएंगे और उसमें दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने 750 ml, मतलब कि 2 ग्लास फुल क्रीम कच्चा दूध लिया है। यदि हम कच्चे दूध की जगह गर्म किया हुआ दूध लेते हैं, तो उसकी जो मलाई रहती है उसकी वजह से कुल्फ़ी में ऑयल आ जाता है, इसलिए हमें कच्चा दूध ही लेना चाहिए। दूध उबलने लगा है, तो अब हम इस गर्म दूध को केसर के धागों में थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि वो अच्छी तरह गल जाए। केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपके पास ना हो या आप ना चाहो तो इसे ना डालें। और इसमें हम 1/3 कप चीनी डाल देंगे। वैसे तो टॉफ़ी की वजह से कुल्फ़ी मीठी हो जाएगी, पर परफेक्ट मिठास के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी चीनी यूज़ कर रहे हैं। दूध अच्छी तरह उबल रहा है, इसमें जो भी मलाई आती जा रही है उसे हम हिलाते हुए उसमें बार बार मिलाते जाएंगे, जिससे कि मलाई खट्टी ना हो। कुल्फ़ी के अच्छे कलर के लिए जो हमने केसर भिगा कर रखी है वो भी अब इसमें हम डाल देंगे। लगातार चलाते हुए मलाई को मिक्स करते हुए हम यहाँ पर इस दूध को उबाल लेंगे, जब तक कि यह 1/3 न रह जाए। दूध उबल कर 1/3 रह गया है, इसे उबालने में मुझे करीब 25 मिनट लगे हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस पैन को उतार कर थोड़ी देर दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूध थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसे अब हम जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी है उसमें मिक्स कर देंगे। उबले हुए दूध को मेल्ट की हुई चॉकलेट में अच्छी तरह मिला लेंगे। इसमें काफ़ी सारी मलाई दिख रही है, कहीं पे चॉकलेट दिख रही है, तो अब हम इसे मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल अलग हो गया है। यही टेक्सचर हमें चाहिए कुल्फ़ी जमाने के लिए। अब इसे जमाने को चलते हैं। इसे किसी भी मोल्ड में जमा सकते हैं, कटोरी में जमा सकते हैं या फिर पेपर कप में जमा सकते हैं। मेरे पास कुल्फ़ी जमाने के लिए मोल्ड है, तो मैं उसे मोल्ड में जमा रही हूँ। यहाँ पर मैं मोल्ड में थोड़ी सी पिस्ता कतरन और भीगे हुए केसर के धागे डाल रही हूँ। ये हमारा कुल्फ़ी का मोल्ड तैयार है कुल्फ़ी जमाने के लिए। तो इसमें जो हमने कुल्फ़ी का मिश्रण बना के रखा है वो इसमें सभी में डाल देंगे।
अब हम इसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे जिससे कि कुल्फी में आइस क्रिस्टल्स ना आए। कवर करने के बाद चाकू की हेल्प से इसके बीच में हम थोड़ा सा कट लगा देंगे जिससे कि इसके अंदर हम आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट कर सकें। वैसे तो इस मोल्ड को डायरेक्ट भी फ्रीज़र में रख सकते हैं जमाने के लिए, लेकिन यदि कुल्फी को फास्ट फ्रीज करना है और अच्छे से सेट करना है तो उसके लिए हमें एक ट्रिक फॉलो करना पड़ेगी जो कि मार्केट में ठेले वाले यूज़ करते हैं। बचे हुए मिश्रण को हम पेपर कप में और ग्लास में जमा देंगे और उसे भी एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। इसके लिए हम एक ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें कि हमारा ये मोल्ड आ जाए। उस बर्तन को हम कपड़े से रबर बैंड की हेल्प से कवर कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर भगोनी को किया है। अब हम इसमें कुटी हुई बर्फ़ डाल देंगे, फिर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, फिर एक लेयर बर्फ़ की डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसमें हम कुल्फ़ी के मोल्ड को सेट करके फ्रीज़र में जमाने के लिए रख देंगे। मैंने कुल्फी को ओवरनाइट सेट होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसका एल्यूमिनियम फॉइल हटा देंगे। मोल्ड में से कुल्फी इजीली निकल जाए इसके लिए हम इसे हाथों से इस तरह थोड़ा सा रब करेंगे या फिर इसे पानी में डिप करके 2 मिनट रखेंगे तो कुल्फी आसानी से निकल जाएगी। देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं और मोल्ड में से आसानी से निकल भी रही है। यह दिखने में जितनी क्रीमी है खाने में भी उतनी सॉफ्ट है। अब हम इसे पिस्ता कतरन और केसर से गार्निश कर देंगे। आइसक्रीम तो हम प्लेट में या कटोरी में लेकर खा लेते हैं, लेकिन कुल्फी हमेशा खाते टाइम बहुत बार गिर जाती है, तो उसके लिए आप पेपर प्लेट या फिर दोने में इस तरह बीच में से कट लगा लीजिए और उसे पलटकर आइसक्रीम स्टिक को उसके अंदर डाल दीजिए और इस तरह फिर मोल्ड को निकाल दीजिए। इस तरह से जब रख के आप कुल्फी खाएंगे तो आपकी कुल्फी कभी भी नहीं गिरेगी। अब हमने जो ग्लास में जमाई थी उसकी एल्यूमिनियम फॉइल हटा देंगे और नाइफ से इस तरह कट का निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसमें आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट कर देंगे। अब ग्लास को थोड़ा सा हाथ से रब करके इसके अंदर की आइसक्रीम निकाल लेंगे और इसे प्लेट में रखकर जो हमने कट का निशान लगाया है उसे नाइफ से कट कर लेंगे। देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। बहुत ही क्रीमी और बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है। सिंपल सी रेसिपी है, ना कोई कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत है, ना कोई कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत है, ना ही इसे फेंटने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता है। तो आप इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, 100% परफेक्ट बनेगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल सतरंगी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।